हाय गाइस, मैं सीख रहा हूँ माते से पास्ता कैसे बनाते हैं। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ? उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है माते? आगे क्या करना है? अभी तक क्या क्या किया? बस पास्ता बॉयल हो रहा है और जो होने ही वाला है बस थोड़ा हो जाए। देखिए सारी तैयारी करके रख दी है, हमारा गुड्डा पास्ता चीक रहा है आज कन्हैया। लेकिन एक सेकेंड। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं बना रही हूँ पास्ता, ये हमारी मशीन अटक अटक जाती है लेकिन फिर भी हम पीछा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये पुरानी हो गई है और अब हमें नई लेनी पड़ेगी, लेकिन हम फिर भी अभी काम चला लेते हैं, कोई बात नहीं, अभी हम नहीं लेंगे। देखिए बनने लगा है और पास्ता में मैं ये सब्जियां डाल रही हूँ, शिमला मिर्च और ये गाजर को तो मैंने इस तरह से ग्रेट किया है, ग्रेट करके डाल रही हूँ। टमाटर है, टमाटर महंगे जरूर है लेकिन आज मैं इतने डाल रही हूँ, 3 से 4 टमाटर लिए मैंने, क्योंकि पास्ता में ज़्यादा टमाटर अच्छे लगते हैं गाइस। और एक साइड ये दाल बची थी तो मैं ये गरम भी करने लगी हूँ, क्योंकि चावल भी रखे हैं तो थोड़ा दाल चावल भी हो जाएगा और ये पास्ता हो जाएगा और सिर्फ 2 रोटियाँ सेकेंगी बस। देखिए पास्ता बनके तैयार है और ये वाली मुनिया खाएगी, बली वाली मुनिया, छोटी वाली मुनिया तो है नहीं घर पे। अब देखिए गाइस पास्ता हमारा कितना अच्छा लग रहा है देखने में और टेस्ट तो इसका एकदम से लाजवाब है। और इसकी रेसिपी तो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, तो आज मैंने इसकी रेसिपी नहीं बनाई है क्योंकि मैं पहले ही बना चुकी हूँ। The next day. Hello everyone, good morning. कैसे हो आप सब? सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं नहा के पूजा करके मैं काम पहले ही निपटा गई थी, काफ़ी सब्जियाँ बना के रख गई थी, आटा गूंथ लिया था। और अब मैं सबसे पहले खीरा कट करके उसके बाद मैं रोटियाँ सेकूँगी जाके। अभी हमारा बेटू नहाने जा रहा है, मैं तो नहा चुकी हूँ। सब्जी में मैंने बनाई है बैंगन की सब्जी और मूंगी का रायता, आटा गूंदा रखा है, बस रोटियाँ सेकनी हैं। तो सबसे पहले खीरा कट कर लेती हूँ। अभी हमारा बड़ा बेटू घर पे है तो मम्मी उसे खूब परेशान कर रही हैं अभी थोड़े दिन में चला जाएगा हमारा बड़ा बेटू गुड्डा, लेकिन मैंने अभी छोटी रोटी नहीं बनाई है। सबसे पहले मैं खाना खा पी के उसके बाद मैं छोटी रोटी बनाऊंगी गाइस। 12 seconds later. रोटियां बन रही हैं और साथ में दूध भी गर्म हो रहा है, दूध आ गया था, मैंने दूध भी गर्म होने रख दिया है, बस फटाफट रोटियां बनाती हूँ। तैयारी तो मैं पहले ही सारी करके रख चुकी थी। अब लगाने जा रही हूँ खाना और बड़ा बेटू भी नहा के आ गया है गुड्डा हमारा, ये देखो अब करने जा रहा है पूजा। तो क्या है ना कि पानी दूसरा भरेगा, ये देखो मम्मी रफ्तार पकड़े हैं समय ये घर पे हैं तो पूरा लाड़ यही लूट रहे हैं मम्मा से, ये देखो और ये देखिए ड्राइंग पूरी कर दी है मेरे बेटू ने गाइस, हनुमान जी को बनाया है, देखो हमारे बच्चे की ड्राइंग अभी पूरी नहीं है, कुछ कमी है बोल रहे हैं, पर मुझे तो पूरी लग रही है। बैकग्राउंड खाली बता, हाँ बैकग्राउंड खाली बता रहे हैं। ये हमारे कन्हैया जी बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं, मेरे बाबू सोना। ये देखिए मैंने बैंगन की सब्जी इस तरह से बनाई है, बिल्कुल सूखी खाली बैंगन की बनाई है, बिल्कुल सादा सिंपल। इसी दिन मैं इसकी रेसिपी भी डालूंगी। ये भरता नहीं है ना? ये बनती है और ये बनाया
12 seconds later. देखिए फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ नाइट में बन रही है ये साबूदाना की खिचड़ी, तो मैं अभी बना रही हूँ, तो बन गई है। सारा काम निपटाने के बाद खाना पीना हो गया, बर्तन अर्तन हो गए, मैं आ गई हूँ अपने रूम में और बेटू मेरा पढ़ाई कर रहा है फ्रेंड्स, तो अब मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट फ्रेंड्स। द फॉलोइंग डे। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? ये नहा के आज मैंने इस कलर का सूट पहना है और आज है नागपंचमी, तो मैं सुबह सुबह नहाया, सारा काम निपटाया, उसके बाद मैं खाना बनाने लगी हूँ आगे, क्योंकि अब पूजा पाठ कुछ होगी ज़्यादा, तो मैं ये सेवइयां बना रही हूँ, सेवइयां बनाऊंगी, बना रही हूँ, पूड़ियाँ बनाऊंगी। सो मैंने आटा ये गूंथ के रख लिया था, सेवई पूड़ी सब्जी, तो मैं लगी हूँ किचन में और मेरा बड़ा बेटू पूजा में लग गया है। आप सभी को नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूड़ियां सेंकने लगी हूँ, फटाफट पूड़ियां सेंक देती हूँ, क्योंकि हमारा बड़ा बेटू तैयार है पूजा करने के लिए, नहा के तैयार हो गया है मेरा बाबू। देखिए हमारी फूली फूली पूड़ियां। अब जा रही हूँ जल चढ़ाने, ये देखिए घर की पूजा निपट गई है, तो बेटू के साथ जा रहे जल चढ़ाने, बेटू तैयार हो रहा है, ये आया, ये आ जल आओ, हाँ चढ़ा के चल दिए हैं घर। ये रहा मंदिर, आज हमने अंदर से ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आज बना कर रखा था पंडित जी ने। मैं बार ही बार का बना रही हूँ, ये बैठ गई हूँ बाइक पे और ये चली मम्मा और बेबी। पकड़ो पकड़ो माते। 12 seconds later. मैं गई थी भजन में, हमारे मोहल्ले की कुछ हमारे मोहल्ले की दीदियों ने भजन रख लिए थे मंदिर पे, मतलब छोटा सा मंदिर अभी बना है, अभी पूरा बना भी नहीं है ना महाराज जी का, तो मैं भजन में गई और भजन से आई हूँ, तुरंत मैं लड्डू बनाने लगी हूँ, इसके खड़ी मूंग के लड्डू बना रही हूँ मैं अपने बेटी के लिए, तो मैं लग गई हूँ आगे किचन में, और आज मुझे खाना बनाना नहीं है शाम का, क्योंकि पूड़ियाँ सिमई सब्जी सब रखी है, तो मैं बस अभी ये लड्डू बनाऊंगी, उसके बाद मैं बेसन की बर्फी बनाऊंगी, क्योंकि हम दो दो चीज़ें अपने बेटों को बना के भेजेंगे गाइस, तो मैं लड्डू बना रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, रात को बज रहे हैं 11 और सब काम निपट पट गया था, लेट गए, एक एक नींद हो गई। उसके बाद ये देखो आए हैं नीचे, और इन्हें लगी थी भूख, और मैंने आज सेवइयां बनाई थी, तो ये वही खाने बैठ गए हैं, है ना, भूख लग गई थी मेरे गुड्डा को। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए और सो जाइए।